वर्षों पहले मेरे जिंदगी की सारी खुशियां मुझसे दूर चली गई थी, आज वो फिर से वापस आ गई। ऐसे क्या देख रही है? ये पांचों मेरे पोते हैं, मेरे बड़े पापा के बेटे। सफर से थक गई होगी, अंदर से बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है। बैठो बेटा। जैसे तुम मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती हो, उसी तरह ये पांचों मेरे बेटे की याद दिलाते हैं। मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस को और उसके पूरे काम धाम को यही संभालते हैं। बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी करवाने के लिए बुलाया है, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो। मेरी अपनों के होते हुए भी अनाथ की तरह जी रही थी, मुद्दतों के बाद आप लोग मिले हैं। जैसी आप लोगों की मर्जी हो वैसे ही कीजिएगा। क्यों, सुन लिया ना? हाँ सुन लिया, सुन लिया। क्या बात है सरकार, आज आप तो कुछ ज्यादा ही पी रहे हैं। अरे इतनी पीने के बाद भी नहीं चढ़ रही है। क्या आधी बोतल खत्म होने के बाद भी नहीं चढ़ी? मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, असली नशा इसमें नहीं है, नशा तो उसके हुस्न में है। दूसरों के सपने तबाह करने वाला खुद सपने देखा है। तू क्या बड़बड़ा रहा है भाई? ये लव की बीमारी बहुत डेंजर होती है, जिसको लगती है उसकी बहुत बुरी लग जाती है। आज तू नामर्दों जैसी बातें क्यों कर रहा है? हा? मेरी है सपना, मेरी है। एक ही बात क्यों बार बार रट रहे हो? वो लड़की मेरी है, मेरी है। Done. Foolish fella, तुमने जरा भी अक्ल नहीं, वो हर कीमत पर मेरी ही बनी, उसको नूर पर सिर्फ मेरा ही हक, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे यार एक बात बता, मुझ जैसे हैंडसम के साथ सपना की जोड़ी कैसी रहेगी? किसी भी हालत में सूट नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे अंगूर के साथ लंगूर। अबे क्या बकवास कर रहा है? अरे मेरा मतलब है कि सूट बूट नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो तेरे साथ बहुत सूट करेगी। बिल्कुल सही बोला सपना। आह अब सहा नहीं जाता रे। तुम अकेले ही आहे नहीं भर रहे हो भाई, इस घर में बहुतों की नजर उस परी पर है। अब पता नहीं वो हीरा किसे मिलेगा। मुझे ही मिलेगा, मेरी हाइट देख, मेरा स्टाइल देख, उसके साथ परफेक्ट मैचिंग, मेरे और उसके गाल के डिंपल भी मैचिंग। उसे भी तो मैचिंग लगना चाहिए ना। पूरा 12 इंच घुसेड़। किसे घुसेड़ोगे भाई? अरे कोई भी हो यार, दिल दे दिया रे। नमस्कार प्रताप जी। क्या बात है वकील, कर्जा चाहिए क्या? अंदर आ जा। साहब आपका पासा तो उल्टा पड़ गया। किस पासे की बात कर रहे हो जो उल्टा पड़ गया? आपका चक्रव्यूह आपके लिए भारी पड़ गया। बात क्या है साहब, साहब बताओ। आपने जो मर्डर किया उसमें आप फंस सकते हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? आपने सरेआम मर्डर किया, गांव में किसी ने देखा नहीं होगा क्या? आज ठिकाने में आके सबका मुंह बंद कर दिया था, अभी नई उलझन क्या है? प्रताप जी आपको तो नहीं करना चाहिए, आप बड़े शौक से कर जाते हैं और भारी मुझे पड़ जाता है। अभी तक आप मेरी वजह से बचे हुए हो, वरना अब तक कब के अरेस्ट हो चुके होते। मेरी बात मानो, अभी यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ।